नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रभु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। साथियों, आज का यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की अगर हम बात करें 2022, कहीं ना कहीं सारे सिस्टमैटिक पैटर्न्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह से चीजें हमारे एग्जामिनेशन में आई है और आती रहेंगी, इस पैटर्न को हम लोग इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन को अंत तक अटेंड कीजिएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा यूटिलिटीफुल होने वाली हैं चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। बहुत बढ़िया सेशन होगा, तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। गुड इवनिंग आकांक्षा, अनीता, खुशवंत, स्वीटी, योगेंद्र, बजरंग, आइए भाई। तो आगे बढ़ते हैं आज का सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। डोंट फॉरगेट, कहीं ना कहीं सारी चीजें है ना जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। इसके साथ साथ अड्डा 24/7 का हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, विद माय नेम, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा। एक बार यार जल्दी से सेशन को शेयर करें, जहां तक आप पॉसिबल शेयर कर सकते हैं, शेयर द सेशन एवरीबॉडी, ठीक है। यही आपसे गुजारिश है, इल्तजा है कि सेशन को आप लोग ताबड़तोड़ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आज का सेशन शुरू होगा एक बेहतरीन कोटेशन के साथ। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कहने का मतलब क्या है, बिलीव इन योर एफर्ट्स। Efforts are really important. Efforts काफ़ी important है और जिस तरह से आप अपने efforts को implant करोगे, substitute करोगे, वही तय करेंगे कि चीज़ें आपके लिए कितने ज़्यादा favorable होंगी और कितनी ज़्यादा आसान होंगी, right? So efforts are really important, ठीक है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान आपको रखना है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं फिर आज के सेशन में हम सभी लोग, ठीक है। तो कोशिश करेंगे और जैसे कि आप लोगों ने सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, और केवल बातों से तो नौका पार भी नहीं होती, काम तो करना पड़ेगा। चलिए भी लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, आज के सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, अभी भी महापैक पर आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये डबल वैलिडिटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले दिल्ली पुलिस के जो भी बैचेस आपके सामने आपको यहाँ दिख रहे हैं, उन सारे बैचेस में आप लोग देख सकते हैं। इवन दिल्ली पुलिस का जो महापैक है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि केवल दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करनी है हमें केवल, तो दिल्ली पुलिस का महापैक परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप अड्डा 24/7 पर जाइएगा, ऐप का इस्तेमाल कीजिएगा और वहां जाकर एक डिस्काउंट कोड जो मैं आपको बता रहा हूँ, Y278, ठीक है। मैं फिर बता दूं, मिशन 3.0 बैच शुरू हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं एसएससी महापैक का ही पार्ट है। मतलब मैं महापैक आपके पास है तो आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। चलिए भाई, तो शुरू करें आज के सेशन को एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन कमाल, बेमिसाल, जबरदस्त होगा, तो सभी लोग बस सेशन को अंत तक अटेंड करें, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं चीजें इसी तरह से हम लोग कैरी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, सैटरडे जनरली क्या रहता है कि थोड़ा सा रिवीजन आप अपना कर सके, क्योंकि पूरे दिन क्लासेस होती हैं अभी, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप चीजों को आसानी से पढ़ पाए। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों ये रहा, स्टिंगी शब्द का आपको बताना है एंटोनिम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टिंगी? काइंड, जेनरस, मीन या माइजरली? बहुत ही सिंपल वर्ड है, कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी आपको यहां पर देखने विशेषकर नहीं मिलेगी। तो एक व्यक्ति जो काफी कंजूस है उसे स्टिंगी बोलते हैं। काइंड माने दयालु, ठीक है। जेनरस उदार, तो ये स्टिंगी जो शब्द है, उदार मतलब जो कंजूसी ना करे। मीन का मतलब हो गया मतलबी, हाउ मीन यू आर। माइजरली का मतलब भी क्या होता है, एक व्यक्ति जो काफी कंजूस है। तो आंसर के रूप में क्या हो जाता है, जेनरस। अच्छा, इसके अलावा जेनरस, लिबरल, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, बाउंटियस, बाउंटीफुल, चैरिटेबल, म्यूनिफिसेंट, ये अन्य ऑपोजिट है। देख रहे हो कितने सारे ऑपोजिट यहाँ पर जार्विस ने आपके लिए हेल्प करा दी है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो जेनरस के अलावा लिबरल, बाउंटियस,
एक्स्ट्रावेगेंस, स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना, बाउंटीफुल, चैरिटेबल, ये भी इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए, रॉन्गली स्पेल्ड बताएं, डेविलिश, डिवाइस, डिविएशन या डिवियस, जल्दी से बताएं, चार शब्द, कौन सा वर्ड है जो गलत स्पेलिंग लाता है? चलिए भैया, टाइम्स अप हो चुका है। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आता है कि कौन कौन सा वर्ड है जो यहाँ गलत मतलब दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, डेविलिश, डेविल से बना है, सही है, डिवाइस सही है, डेविएशन बस ये गलत है, डेवियस होना चाहिए, इसका मतलब होता है चालाक, क्लेवर, है ना, विटी, तो आंसर क्या हो गया, डी, डेवियस, द राइट आंसर इज ये। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, बाकी सब सही स्पेलिंग से। नेक्स्ट मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आई ब्लैंक नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आई ब्लैंक नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, बताओ जरा। आई कैन नॉट, आई शुड, आई कैन, आई कुड, थम्स अप। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक में अगर बात किया जाए तो 3 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद कैन नॉट तो नहीं होगा, शुड नॉट हो, शुड होगा नहीं, कैन इज अ बेटर वर्ड, आई कैन स्विम क्वाइट फास्ट, मैं तेज, काफी तेज तैर सकता हूँ, ये 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, कुड होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर के रूप में सही जवाब क्या हो जाता है, कैन, द राइट आंसर इज सी। बोलो बात क्लियर है सभी लोगों को, वेरी वेल डन, ठीक है। कुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट का फॉर्मेशन है और जो कि वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ें, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, एक बार सभी लोग इस सेशन को यार शेयर करें जल्दी से, जहां जहां पॉसिबली आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को कनेक्ट करें, सो दैट दे कैन हैव द प्रॉपर बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन, और मुझे लगता है कि जितना रीच इसका मैक्सिमम होगा तभी लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को हम पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो जरूर यार सभी लोग क्या करेंगे, इस सेशन को फटाफट से शेयर करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एरर डिटेक्शन, फोर्थ क्वेश्चन, तुरंत जवाब देने की कोशिश करें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चले गए, टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो चुका है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखिए, आयदर मीना और निकुंज, सबसे पहले आयदर के साथ मीना और के साथ निकुंज, यानी आयदर और के साथ अगर मिनिमम 2 सब्जेक्ट आए या कितने भी, आयदर और के साथ अगर मिनिमम 2 सब्जेक्ट आए या कितने भी, वर्ब या प्रोनाउन जो आते हैं वो लास्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी और के साथ जुड़ा, यानी वर्ब का नियरेस्ट, अब वर्ब का नियरेस्ट निकुंज है और निकुंज एक है, तो इसीलिए सिंगुलर के लिए इज हो जाएगा, द राइट आंसर इज डी, ठीक है। सो आइदर मीना और निकुंज इज गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, खास ध्यान रखें इस चीज का, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको एज इट इज देखने मिलेंगे। आप ये सोचिए, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम है वो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10+2 के लेवल का ही है। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ट एक बार फिर से बताएं, इवेपोरेशन, एस्टैब्लिश, इसेंशियल या फिर इवेल्युएशन, तुरंत बताएं, इवेपोरेशन, एस्टैब्लिश, इसेंशियल या फिर इवेल्युएशन, तुरंत जवाब देने की कोशिश करें, कम ऑन। टाइम्स अप। अब देखिए, इवेपोरेशन, ठीक है, Eva is there, must be thinking about the pronunciation of her name. It's evaporation, ठीक है। Establish essential, ये क्या लिखा है? Evaluation. तो एशन होता है, ईशन नहीं। आंसर हो गया डी, इट्स evaluation, मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, ठीक है, मूल्यांकन किसी भी चीज का। Essential जरूरी, establish आप जानते हैं, evaporation is known to you.
ना, प्रोसेस है। आगे आ जाते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड। टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली, अनकंट्रोलेबल, इनडिसिसिव, लूज करेज। चलिए, वेरी वेल डन, गेट आउट ऑफ हैंड, ये काफी फेवरेबल और मुझे लगता है ना, ये बात तुम पूरा एक्शन हुआ है। वेरी वेल डन, दिस इज अमेजिंग है। इनडिसिसिव का मतलब क्या होता है? डेलेमा, दुविधा में पड़ जाना, ठीक है, दुविधा। अब गेट आउट ऑफ हैंड, ये टीचर बैठे हैं सिर पर हाथ रख के और ये देखो अपनी ही मस्ती चल रही है, मतलब टू बिकम अनकंट्रोलेबल, इट्स नॉट ईजी टू कंट्रोल दैम बिकॉज दे हैव बिकम अनकंट्रोलेबल। द राइट आंसर इज बी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? वेल डन। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉक्ड माइल्स टू टेक अ डिप एट द कन्फ्लुएंस, संगम ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। बताओ जरा, सेवेंथ क्वेश्चन का सही इंप्रूवमेंट क्या होगा? थैम्स अप। अब देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां क्या बोला जा रहा है, पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स, अराइव यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ हैड वॉक्ड डायरेक्टली कैसे आ गया? पास्ट परफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, आर वॉकिंग का भी मतलब नहीं, जब पूरी फैक्ट की बात चल रही है तो हम लोग भी फैक्ट की ही बात करेंगे। तो पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वॉक माइल्स, मीलों चलते हैं, टू टेक अ डिप, डुबकी लगाने के लिए, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि हाउ दिस थिंग इज एक्चुअली रिलेटेबल। ठीक है, आगे बढ़े, वेल डन। नेक्स्ट, एट्थ वन, इम्पैकेबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पैकेबल, एग्जाम ओरिएंटेड शब्द है, फोकस करें। वॉट इज इम्पैकेबल? फॉल्टलेस, अनसुलीड, इम्परफेक्ट, मेथोडिकल। तुरंत बताएं। टाइम्स अप हो चुका है दोस्तों। व्हाट कुड बी द प्रोबेबल आंसर? व्हाट कुड बी द प्रोबेबल आंसर? देखिए, अगर हम बात करें ये शब्द की, तो ये वर्ड आई थिंक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये वर्ड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए समझने की जरूरत है, इम्पैकेबल का मतलब फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्ट। अनसुलीड भी वही होता है, इम्परफेक्ट एंटोनिम हो गया। मेथोडिकल का मतलब एक एक तरीके के हिसाब से, एक मेथड, है ना, क्रोनोलॉजी, ऑर्डरली जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर के रूप में क्या हो गया, दैट इज इम्परफेक्ट, है ना, इसको हम लोग फॉल्ट कह सकते हैं, जिसमें कोई कमी है, वो गलती है, दैट इज टर्न आउट टू बी द राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पैकेबल। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि इम्पैकेबल वर्ड का यूज करना शुरू करो, इम्पैकेबल परफॉर्मेंस, इट वॉज इम्पैकेबली डन, तभी याद होगा। अब हम लोग बोलते ही केवल परफेक्ट रहेंगे तो वर्ड याद नहीं होगा, तो स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है, नाइन्थ वन, द होल नाइन यार्ड्स, द होल नाइन यार्ड्स, तुरंत बताएं। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का संपूर्ण पार्ट, एन एसेंशियल पार्ट, एन एंजॉयबल सिचुएशन, कम ऑन, तुरंत बताएं। टाइम्स अप हो चुका है दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन, द होल नाइन यार्ड्स, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, बिल्कुल देखो आंसर हमें मिल गया, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की संपूर्ण बात है ना, जैसे आप लोगों को वो याद है, द बामन अवतार हुआ था भगवान का, तो तीन पग में राजा बलि से सब कुछ मांग लिया था, तो बोले तीसरा कहाँ रखूँ, मेरे सिर पर रख दो प्रभु, है ना, तो वहां भगवान का तो दो पग में ही पूरा आकाश पाताल सब निपटा दिए। सो द होल नाइन यार्ड्स मतलब द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की संपूर्णता, है ना, इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग। ऑकवर्ड शब्द काफी फैमिलियर है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है इस वर्ड का। स्किलफुल, क्लमजी, प्लेजेंट, ग्रेसफुल, तुरंत बताएं इसका सिनोनिम। स्किलफुल, क्लमजी, प्लेजेंट, ग्रेसफुल, कम ऑन।
टाइम्स आर, व्हेन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दिस वर्ड ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, एक प्रकार से भद्दा, अजीब, स्किलफुल, गुणवान, गुणी जिसे बोलते हैं, है ना, गुणवान गुणी जिसे कहते हैं, प्लेजेंट भी पॉजिटिव, ग्रेसफुल भी पॉजिटिव, ले देकर क्या बचा, क्लमजी, जो कि क्या हो जाता है इसका परफेक्ट सिनोनिम, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है इसका परफेक्ट सिनोनिम। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल डन। यस सुपीरियरिटी, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े। चलिए चलिए, समय समय पर सब लोग सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहें, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और थोड़ा सा यार इस सेशन का मैक्सिमम रीच कराइए, ये आप लोग कर सकते हैं। आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट विच इज एग्जाम ओरिएंटेड, बट रेस्ट इज ऑन योर्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न ब्लैंक कैनेडा ब्लैंक मार्च, बताओ जरा क्या हो सकता है यहां पर, तुरंत बताओ क्या हो सकता है इसका राइट प्रोबेबल आंसर, कम ऑन। देखिए अगर आपकी नजर यहां पर 15 पर नहीं पड़ी तो आप जल्दी से यहां पर ये वाला ऑप्शन लगा दोगे और फिर बाद में आपको पता चलेगा, आप बोलोगे सही तो लगाया, लेकिन यहाँ 15 मार्च दिया यानी स्पेसिफिक डेट दिए तो ऑन आएगा, ठीक है, स्पेसिफिक डेट दिए तो ऑन आएगा। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम कैनेडा ऑन मार्च 15, ठीक है, तो ऑप्शन के बेसिस पर द राइट आंसर इज ए। तो जो लोग केवल मार्च देखे हैं वो सी लगा दिए हैं, है ना, कुछ लोग यहाँ पर केवल मार्च देखे हैं इसीलिए सी लगा दिए हैं, यस आई कैन सी दैट, ठीक है। जैसे शेल हैं, दो तीन लोग हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी में, मिथिलेश, समझ में आ रहा है। 15 अगर आपने नहीं देखा तो बस फिर यही आंसर हम लोग गलत कर देंगे। नेक्स्ट, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक, ना तो मैं ना मेरी बहनें म्यूजिक सीखने में इंटरेस्टेड थी। टाइम्स अप, गौर फरमाइएगा, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स, अभी आइदर और देखा था, अब नाइदर नॉर है, सेम चीज फॉलो होगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के लिए वॉज की जगह क्या होगा, वर हो जाएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के लिए वॉज की जगह वर हो जाएगा। द राइट आंसर वुड बी सी, वर इंटरेस्टेड, ना कि वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है, वेरी वेल डन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ध्यान से आंसर करें, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है और इजीली आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। ही हैड नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, तुरंत बताओ। तुरंत बताओ भैया, चले गई, टाइम्स अप हो चुका है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर तुलना हो रही है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ तुलना हो रही है जो कि आपको इजीली दिख सकता है, और जब कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग गुड देन, बेस्ट देन के अलावा बेटर देन ही चुनेंगे। द राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी शब्द का सिनोनिम बताएं, वेलोसिटी शब्द का सिनोनिम बताएं, कम ऑन। फ्लाइट, रेस, फास्ट, हरी, कंफ्यूजन हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी शब्द का सिनोनिम, हाँ जी भाई, क्या लग रहा है 14th क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही जवाब, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी हम लोगों ने साइंस में पढ़ी होगी स्कूल लाइफ में, वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, याद है, है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, आई थिंक वेलोसिटी ऐसे ही कुछ कहा जाता है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मैंने सही बोला है ना, वेक्टर स्केलर, ठीक है। तो ये होती है किसी की स्पीड, है ना, तेजी। अब जनरली क्या होता है, फ्लाइट वर्ड, अब फास्ट माने तेज, हरी माने जल्दी करना,
रेस मतलब जिसमें हम लोग स्पीड को ही काउंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन के बेसिस पर एब्स्ट्रैक्ट आंसर हो जाता है बी, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट आंसर। तो हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी को ही चुनेंगे, ऑप्शन नंबर बी को ही चुनेंगे, है ना। मोमेंटम किसी भी चीज का, रेट, पेस, ये सब इसी में हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहां पर फास्ट लगा दिया है वे सभी यहां पर गलत हो गए। फास्ट माने तेज, बस, ठीक है। तो रेस ऑप्शन यहां, क्योंकि स्पीड वर्ड इसमें ऐड है। चलिए भाई 15th वन, थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड, कोई भी चीज या लोग समान प्रकार के हों उन्हें क्या बोलते हैं? कंटेम्पररीज, होमोजीनस, फेलोज, कलीग्स। तुरंत बताएं भाई, टाइम्स अप, क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस, सेम टाइप का। हालांकि कंटेम्पररीज का मतलब क्या होता है? समकालीन, सेम टाइम वाले, यहां सेम काइंड की बात हो रही है। तो समकालीन इज डिफरेंट, होमोजीनस सेम काइंड हो गया, फेलोज का मतलब साथी, कलीग्स का मतलब सहकर्मी, यानी साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कलीग, दे आर कॉल्ड कलीग्स, है ना। तो ऑप्शन के बेसिस पर ध्यान रखना, द राइट आंसर इज होमोजीनस, राइट आंसर इज होमोजीनस। नेक्स्ट 16th वन, रॉन्गली स्पेल्ट, एक बार फिर से, कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेनेशन, एक्यूजिशन, इल्यूमिनेशन। तुरंत बताए, कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेनेशन, एक्यूजिशन या फिर इल्यूमिनेशन। टाइम्स अप। सो देखिए, आई हैव मेंशनड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, एक्सप्लेन की स्पेलिंग में आई आता है एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, तो आई यहां गलत है। द राइट आंसर इज बी, ठीक है, बाकी सब सही है, एक्यूजिशन भी ठीक है, इल्यूमिनेशन भी ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। सेम चीज आपको यहां पर एक्सक्लेमेशन में मिलेगी, ठीक है, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट पर आते हैं, कम ऑन, इमर्स, डूब जा मेरे प्यार। चलिए भैया, इमर्स, ड्राउन, बेथ, शावर या सबमर्ज। ड्राउन, बेद, अच्छा बाथ और बेद में क्या अंतर है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाथ और बेद में क्या डिफरेंस है। तो ये देखो, हिंदी में ऐसे बोलते हैं स्नान, और बेद मतलब स्नान करना। होपफुली यू गॉट दैट, दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब, टेक बाथ, केवल बेद। तो इमर्स आप देख सकते हैं यहां पर डूबने से संबंधित है, तो सबमर्ज। अब आप बोलोगे सर ड्राउन, तो देखो भैया इमर्स चीजों के लिए आता है ना, ड्राउन लोगों का डूबना, है ना, बेद नहीं होगा, शावर नहीं होगा, इसीलिए सबमर्ज होगा। तो जो लोग यहां पर ड्राउन शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना, वो स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के लिए हो जाएगा, विच विल बी इनकरेक्ट। केवल हम लोग ह्यूमन बींग के लिए यहां पर इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, इडियम बताइए इसका मतलब। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, टू कीप एट अ डिस्टेंस, टू इरिटेट समवन वेरी मच, टू फ्राइटन समवन। तुरंत बताएं, टाइम्स अप। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, इसका मतलब हो जाता है टू इरिटेट समवन वेरी मच, ठीक है, इस मतलब ये सिर्फ वॉल पर चल रहा है इसीलिए आपको पिक्चर मिल गया। टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूर रखना, टू हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, कोई व्यक्ति परेशानी में तब उसकी मदद की, या फिर टू फ्राइटन समवन, किसी को डराना। तो ऑप्शन के बेसिस पर सही जवाब होता है सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रणव, सोनिया, निकी, अखिलेश, अनुसुईया, संतुष्टि, असित, ठीक है, ठीक है, ग्रेट अंकित। नेक्स्ट 19th वन, फिर से रॉन्गली स्पेल्ट, रिलीव, रिक्रूट, रिसीट, है ना, रीम।
तुरंत बताओ। टाइम्स अप। अब देखिए यहां लिखा है पहला वर्ड रिलीफ, पहला ही वर्ड गलत हो गया। रिक्रूट ठीक है, रिसीट, देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड शुड बी रिसीट, रिसीट ठीक है। रीम, रीम वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं है ना, और मैंने आपको बताया भी था कि इस शब्द का खास ध्यान रखिएगा, रियल मी मत पढ़ लेना इसको ना। रीम का मतलब रीजन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं क्षेत्र, तो आंसर क्या होगा, दैट इज ए रिलीफ है ना, रिलीव ठीक है। रिलीफ जो होता है वो नाउन हो जाता है, रिलीफ जो होता है वो नाउन हो जाता है, दैट इज रिलीव, तो ये वर्ब है ठीक है। आगे पढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 20th वन, टू गिव द स्लिप, टू गिव द स्लिप ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन एवरीवन, तुरंत बताएं। जल्दी से बताइए, कम ऑन एवरीवन। वन का आंसर बताएं, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। सीधे 8 होगा, बात हो रही है कूड़ा कचड़ा, इसीलिए ऑप्शन के बेसिस पर सीधे सीधे क्या हो जाता है, दैट इज 8, इट इज द राइट आंसर ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, आगे बढ़े। नेक्स्ट 22nd, नरेशन बताना है। रियांश सेड टू मी दैट ही वॉज गोइंग टू रीड अ बुक दैट वीक, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में बदलना है, टाइम शुरू होता है अभी, तुरंत बताएं है ना, फटाफट से आंसर कीजिएगा। चलिए भी टाइम्स अप हो चुका है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर नरेशन का, ही वॉज गोइंग, इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस कब होगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, तो आंसर हो गया ए। आई विल बी तो नहीं होगा, फिर वुड होता, माइट हो जाएगा। हेलो हेलो, इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? आवाज आ रही है, इज देर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस एवरीवन? वॉइस थोड़ा सा इशू कर रही है, जस्ट अ सेकेंड।
हेलो, अभी वॉइस ठीक है एवरीबॉडी? हेलो हेलो। चलिए, आई थिंक अभी ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक इसका आंसर दीजिए फटाफट से सभी लोग, एवरीबॉडी। अभी आई थिंक इट्स फाइन, वॉइस ठीक है अभी, है ना? हाँ जी, फटाफट से बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अभी आई थिंक इट्स फाइन, अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। अभी फटाफट से एरर डिटेक्शन बताइएगा। शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ व्हाट आई कुक। शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ फूड आई कुक। सो 23rd का सही जवाब हो जाएगा। देखियो भैया, सीधी जरूरत क्या है यहां पर, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग, यहां से है ना, इज और फाइंडिंग हटाओ, शी ऑलवेज फाइंड्स, फैक्ट की बात हो रही है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। फैक्ट की बात हो रही है तो सीधे सीधे किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। बोलो, बात क्लियर है? फैक्ट की बात हो रही है तो सीधे सीधे किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा लो भैया, एक बार जल्दी से फटाफट सभी लोग यार जल्दी से सेशन को यार लाइक करो, तुम लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट से खींच के जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे फटाफट से और इसका आंसर देंगे। कोहरेंट शब्द का एंटोनिम, जितने लोग हैं सारे लाइक जरूर करो यार। हाँ, कोहरेंट, कॉन्स्टेंट, इलेजिबल, कंसिस्टेंट या फिर इलॉजिकल। चलिए भी, टाइम्स अप हो चुका है। कोहरेंट शब्द का हमको बताना है यहाँ पर क्या, कोहरेंट शब्द का हमें बताना है एंटोनिम। सबसे पहले कोहरेंट शब्द की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छी संगत, किसी की संगत अच्छी है। अब देखो यहाँ लिखा है ना, इलेजिबल, इलॉजिकल, तो आंसर के रूप में इलॉजिकल ही होगा, कुछ अच्छे को बोलते हैं। कॉन्स्टेंट लगातार, कंसिस्टेंट भी लगातार। एलिजिबल जो होता है, जो लेजिबल नहीं है, है ना? तो देखो यहाँ पर इलॉजिकल जरूर हम लोग यहाँ पर चुनेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई चीज का तालमेल वहां पर ठीक नहीं है, है ना? किसी चीज का तालमेल वहां पर ठीक नहीं है। अच्छा, इसीलिए सर का साउंड खराब। वाह क्या बात है, तुमको बड़ी जानकारी है बाबू, बहुत बढ़िया। चलो इसका सही जवाब बताओ। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार अदर व्हील्ड व्हीकल, समझ गए? दिख रहा होगा आपको, फ्यूजलेज, बॉनेट, चेसिस, कॉकपिट। चलिए 25, कम ऑन। अब देखो पूरी गाड़ी किस पर पूरी तरह से तैयार की जाती है, तो जो बेस फॉर्म होता है ना, जो बेस फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? चेजेस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड चेजेस। बॉनेट तो आप जानते हैं, आगे वाला जो गाड़ी खोल दी जाती है यहां से। फ्यूजलेज क्या होता है? पार्ट इन प्लेन। कॉकपिट है ना, कॉकपिट प्लेन में ही होता है, ठीक है? तो फ्यूजलेज द मेन पार्ट ऑफ अ प्लेन, दैट इज कॉल्ड दिस वन, ठीक है? याद रखिएगा, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली अमेजिंग, ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सिंपल सेम क्वेश्चन है। जार्विस दद्दा महान है। 27, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। एक इंस्ट्रूमेंट जो मैसेजेस को कोडिंग मतलब डिकोड और कोड करता है। क्रोनोमीटर, क्रिप्टोग्राफ, कार्डियोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। चली गई, टाइम्स अप हो चुका है। 27 का सही जवाब बताने की कोशिश करें। देखिए सीधी बात, कार्डियो रिलेट्स टू हार्ट, तो ये तो गया। क्रोनो रिलेट्स टू टाइम, तो ये भी गया। अब क्रिप्टो, क्रिप्टो जो चीजों को क्या करे, डिकोड करे या कोड करे, तो आंसर हो गया क्रिप्टोग्राफ।
क्रेस्कोग्राफ प्लांट के लिए यूज करते हैं, द डिवाइस फॉर मेजरिंग प्लांट, प्लांट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम आता है उसे क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ इज फॉर प्लांट दोस्त, है ना। क्रिप्टोग्राफ, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। 28th, एमिएबल। एमिएबल का मतलब स्क्रीन पर क्लियरली आपको दिख रहा है, फ्रेंडली, होस्टाइल, कोर्डियल या फिर कंफर्टेबल, तुरंत बताइए। 28th, चलिए टाइम्स अप। एमिएबल किसको बोलते हैं? द वन हु इज क्वाइट फ्रेंडली, द वन हु इज क्वाइट फ्रेंडली। तो कंफर्टेबल पॉजिटिव है, फ्रेंडली पॉजिटिव है, कोर्डियल पॉजिटिव है। ले देखे क्या बचा, होस्टाइल। इसको हम लोग एनिमिटी भी कह सकते हैं, शत्रुता। इसको हम लोग एनिमिटी भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे शत्रुता, क्या कहते हो सभी लोग, शत्रुता। आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया। चलो यार जल्दी से, यार देखो 10 सेकंड का टाइम, सभी लोग जल्दी से लाइक करेंगे, जल्दी से इसको हम लोग 300 प्लस पहुंचाएंगे, ठीक है। वेरी वेल डन दोस्त, दोस्त ना रहा, होस्टाइल बन के चला गया है, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगले सेगमेंट पर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो ध्यान से आंसर करें, फ्रेंडली तो सिनोनिम होगा। चलिए, दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, बताएं जरा क्या गलती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कम ऑन। दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। चलिए टाइम्स अप। तो ये बात आई थिंक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, क्या आपको याद है? ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे याद है हमने डिस्कशन किया था। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं मैं, किन किन चीजों के सेम पॉइंट होता है। कंसिस्ट के साथ अव का यूज करते हैं, लेकिन जो उसका इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है कंप्राइज, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। सेम चीज इन स्पाइट ऑफ, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है, डिस्पाइट, ठीक है। अगर हम बात करें इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू, उसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, खास ध्यान रखना। सेम वेट के साथ फॉर आता है, लेकिन अवेट के साथ नो प्रेपोजिशन। तो आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, द राइट आंसर इज डी। तो ऑफ को रिमूव करना है सभी लोगों को, ऑफ को रिमूव करना है सभी लोगों को, और मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पैटर्न पर सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो जो चीजें पॉसिबल होती हैं, है ना, जो जो चीजें, सारी चीजें जो पॉसिबल होती हैं वो मैंने आपको बता दी, जो इस फॉर्मेशन पर बनती हैं, ठीक है। जो जो चीजें इस फॉर्मेशन पर बनती हैं वो मैंने आपको बता दी, तो प्लीज डू टेक, है ना, स्क्रीनशॉट एज वेल। शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। 30th वन, एक बार फिर से, रॉन्गली स्पेल्ड, वायलिन, विजनरी, विसियस या फिर वोएज, तुरंत बताएं। वायलिन, विजनरी, विसियस या वोएज, टाइम इज अप, कम ऑन एवरीवन, तुरंत बताएं। आई थिंक कुछ लोगों को तो सीधे सीधे समझ में आ भी गया होगा, है ना, विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बिल्कुल द राइट आंसर इज सी, विसियस। इसका मतलब क्या होता है, क्रूर, जैसे बोलते हैं एक प्रकार का दुष्ट, ठीक है, क्रूर व्यक्ति जो है वो काफी दुष्ट है, उसको इस शब्द से यहां पर डिनोट किया जाता है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आज आप लोगों के लिए एक खास क्लोज टेस्ट भी रखा गया है, सो क्लोज टेस्ट तक जरूर सभी लोगों को एकदम, है ना, दिल थाम कर बैठी है वही वाली फीलिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्लोज टेस्ट है बस। 31st, नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स।
थम्स अप। गौर करेंगे, नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड। देखिए नॉट क्या है, नेगेटिव शब्द। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव शब्द से होगी तो वो इन्वर्जन फॉलो करता है, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन के तहत क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट सब्जेक्ट, ये गलत। यहां भी डायरेक्ट सब्जेक्ट, ये गलत। अब देखो डिड आ रहा है तो ऑब्जेक्टेड क्यों होगा, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत। द राइट आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोलो ये बात सबको क्लियर है? कुछ लोग बी लगा दिए हैं, हाँ ध्यान नहीं दिए हो कि ऑब्जेक्टेड लिखा है वहां, इतना तो ध्यान दो बाबू। चलो भाई अब आते हैं हम लोग पैसेज डिस्कशन पर, ठीक है, पैराग्राफ डिस्कशन, पैसेज डिस्कशन, ठीक है। वाइल्ड मंकीज आर अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स इन मैनी एरियाज इन जापान, ब्लैंक, ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स माने जंगल। जल्दी से बताएं 30 सेकंड का सही जवाब क्या हो सकता है, कम ऑन। तो देखो मंकीज आर प्लूरल है तो इट तो होगा नहीं, दोज ऑफन डैम होगा नहीं, सब्जेक्ट की जरूरत है, सॉरी, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, वाइल्ड मंकीज आर अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स इन मैनी एरियाज इन जापान, दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स टू ब्लैंक द टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स, टू गेट कट ईट या वेस्ट। टाइम्स अप। तो सीधे सीधे क्या होगा, ईट खाने आएंगे, वेस्ट काय करेंगे, है ना, काटने आएंगे नहीं, प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्राप्त करके थोड़ा ना बेचने जाना है, खाने के लिए आते हैं। तो ईट इज अ बेटर वर्ड, टू ईट द टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स ब्लैंक ईयर। बताओ जरा, होल ईयर, ऑल ईयर, दिस ईयर या एवरी ईयर। चलिए चलिए कम ऑन, 34th का सही जवाब दीजिएगा। Hands up. So what is the right answer for 34th question? Come on. अब देखो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, फैक्ट की बात हो रही है तो हर साल की ही बात है, तो बस एवरी हो जाएगा। अब देखो ऑल ईयर्स, होल ईयर, दिस ईयर, केवल इस साल की बात नहीं है पूरा। दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स, ब्लैंक द फार्मर्स आर फाइटिंग बैक, बिकॉज द फार्मर्स, However, moreover, या started, क्या होगा? Time's up. Waste, बुरी बहुत फसल है उसको damage कर देते हैं, because कि farmer fight back कर रहे हैं इसीलिए, तो ये तो नहीं होगा, फिर भी farmers उनसे लड़ते रहते हैं ना, कोशिश करते हैं कि उनको वहां से भगा दिया जाए। इन 2005 अ स्मॉल विलेज इन नगानो ब्लैंक कंटिन्यूड स्टार्टेड एम्बार्क्ड या इंस्टिगेटेड अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ डॉग्स। तो प्रोग्राम को क्या करेंगे, 2005 में शुरू करेंगे। अब इंस्टिगेट भड़काना, कंटिन्यू माने तो जारी कर देना होता है, जारी रखना, कोई भी चीज जो पहले से चली आ रही थी उसको क्या कर दिया, जारी कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब एम्बार्क की बात करें तो ये वर्ड हम लोग पहले कर चुके हैं, ये किसी चीज को स्टार्ट करना ही होता है, लेकिन ये जनरली क्या होता है, किसी एक्शन की बात करना, हालांकि ये सिमिलर है, ऐसा नहीं है इसको हम लोग अलग माने, बट हाँ वो एक बोलते हैं ना, एक फेवरेबल टर्म स्टार्ट होगा, एम्बार्क्ड किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर देना, है ना, जनरली ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और साइंस से संबंधित है, ठीक है ये भी स्टार्ट करना। चलिए गाइस, तो कैसा रहा सेशन, मजेदार? तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी महापैक पर, अपकमिंग बैचेस हैं, मिशन 3.0 काफी शानदार तरीके से इसमें क्लासेस होने वाली है,
AWO और TPO की क्लासेस जो कि दिल्ली पुलिस का है, प्रखर दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच है, और आप चाहें तो दिल्ली पुलिस महापैक केवल ले सकते हैं फॉर ऑल दिल्ली पुलिस बैचेस। लेकिन ये सारी चीजें आपको SSC महापैक में भी मिल जाती हैं। तो अभी तुरंत अड्डा 24/7 के ऐप पर जाकर SSC महापैक सुनिश्चित करें Y278 कोड के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ ये रहा आपका महापैक, इसमें आपको मिलते हैं ई बुक्स, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेस, है ना, टेस्ट पैक, है ना। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारी वीडियोस मिलेंगी, जो भी लाइव क्लास आप मिस कर देते हो या उसे दोबारा देखना चाहते हो। तो अभी तुरंत Y278 कोड के साथ आप इसे परचेज कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ये बुक्स हैं। मैं आपको एक बार सीधे लेकर चलता हूँ किस कहाँ पर, अड्डा 24/7 के स्टोर पर, और वहाँ से हम अपना महापैक कैरी कर सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिएगा परचेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो हियर वी कम टू दिस वन, क्रॉल डाउन करेंगे सीधे इसको। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल कोर्सेस, SSC महापैक, ठीक है। दिल्ली पुलिस में आ जाओ, आपके सामने ये सारे दिल्ली पुलिस के बैचेस हैं। देखिए इंडिविजुअली इनका प्राइस अगर आप देखोगे इट्स क्वाइट हाई, ठीक है। तो आप चाहें तो अपना महापैक सुनिश्चित कर सकते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। आप अपना महापैक सुनिश्चित कीजिए, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है, Y278 कोड के साथ, ठीक है। तो ये आपका 12 मंथ्स के लिए महापैक है, है ना। और 6 मंथ्स वाला चाहते हैं तो 6 मंथ्स वाला मिल जाएगा। आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस का महापैक तो वो भी ले सकते हैं, वट एवर यू प्लीज यू कैन बाय। कोड याद रखें Y278, ठीक है। बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी खास ध्यान रखें, बिकॉज बिना बुक्स और टेस्ट सीरीज के थिंग्स विल नॉट हैपन फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो फिर, ठीक है। तो कीप स्माइलिंग गाइस, सेशन को लाइक करते हुए जाना, खुश रहो, मस्त रहो, और पेरेंट्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें प्राउड फील कराना है, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, राधे राधे, बोलो भैया बांके बिहारी लाल की जय। शोल्डर कर ले भाई, 17.5 हाथ ऊपर कीजिए, अरे कीजिए ना, सीना लिख ले भाई, 35 नहीं 34, 34 की 35 सर, थोड़ा फुलाइए फुलाइए फुलाइए, 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है।